Zombie Apocalypse. तो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एसके गेमिंग जोन। सो गाइज यार, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लेम करके दिखाएंगे अपना वुल्फरा करेक्टर, जो कि भाई अभी अपने सभी प्लेयर्स को फ्री में मिल रहा है। तो काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा, तू बेवकूफ बना रहा है, फेक वीडियो बना रहा है। तो मैं आज आपको बिल्कुल लाइव यहाँ पे फ्री में क्लेम करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को वुल्फरा करेक्टर आज मिलने वाला है। तो गाइज अभी जो अपना इवेंट चल रहा था फ्लिप वाला, उसमें मैंने आपको बोला था कि भाई जो लास्ट वाला आपका कार्ड होगा उसके अंदर आपको पक्का मिल ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक लास्ट कार्ड बचा हुआ था जो मैं आपके सामने फ्लिप करूंगा एंड उसके अंदर से आपको वुल्फरा करेक्टर निकाल के दिखाऊंगा। एंड गाइज उसके बाद में हम करेंगे वुल्फरा करेक्टर का एबिलिटी टेस्ट, उसका जो स्किल टेस्ट है वो हम करेंगे एक कस्टम रूम बना के, उसके अंदर देखेंगे कि भाई पहले कितने का हेड पड़ता है एंड वुल्फरा करेक्टर यूज करने के बाद, यानी कि उसकी स्किल यूज करने के बाद कितने का हेड पड़ता है, कितना फर्क आता है हेड शॉट में। तो बिल्कुल हम आपके सामने लाइव यहाँ पे स्किल टेस्ट करके दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे देखा तो किसी ने भी भाई स्किल टेस्ट का अच्छा सा वीडियो नहीं बनाया हुआ। तो हम आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाएंगे कि भाई वुल्फरा करेक्टर का क्या फायदा है एंड इसके बारे में और भी बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। और हाँ गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम 40K सब्सक्राइबर्स के काफी ज्यादा करीब हैं। तो भाई जल्दी से 40K सब्सक्राइबर्स करवा दो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी अपना जो है वो लास्ट वाला फ्लिप बचा हुआ है एंड अभी उसको फ्लिप करके दिखाऊंगा एंड वहां पे आपको दिखाऊंगा अपना वुल्फरा करेक्टर निकाल के, क्योंकि भाई काफी सारे बंदे बोल रहे थे कि भाई हमें तो नहीं मिल रहा, आप तो बेवकूफ बना रहे हो। तो यहाँ पे आप देख लो, अपना एज ऑफ स्ट्रीमर्स वाले पेज पे गया एंड फ्री वुल्फरा करेक्टर पे गया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सारे कार्ड फ्लिप कर रखे हैं, बस ये एक कार्ड मेरा बचा हुआ है, इसको मैं अभी फ्लिप करूंगा एंड यहाँ पे वुल्फरा करेक्टर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं 6 कार्ड में से एक कार्ड में वुल्फरा था। तो यहाँ पे एक कार्ड बचा हुआ है M82B वाला, अभी इसको ओपन करूंगा आपके सामने। ये देखो कंफर्म कर दिया एंड ये देखो गाइज यहाँ पे वुल्फरा करेक्टर हमें मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं छः कार्ड्स के अंदर वुल्फरा था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने वीडियो के लिए, मतलब वो थंबनेल के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वुल्फरा करेक्टर मिल चुका है एंड अभी इसको हटा के एंड इसको दिखाएंगे, मतलब अपने उसके अंदर दिखाएंगे करेक्टर सेक्शन के अंदर यहाँ पे आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे देखो हर कार्ड के पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ था एंड यहाँ पे एक कार्ड के पीछे अपना वुल्फरा था। तो यहाँ पे मेरे को ये तो पता था कि भाई लास्ट वाले कार्ड में देंगे, तो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे अपना वुल्फरा करेक्टर क्लेम करने के लिए नहीं आया। तो हम लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करके आते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटली ये लोग नहीं देते, आप गेम को हटा के या फिर लॉग आउट करके दोबारा से आओगे तो आपको क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लॉग आउट किया एंड अभी लॉगिन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अभी क्लेम करने का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, मैसेज बॉक्स में, मेल बॉक्स में आपको टिक देखने को मिलेगा। देखो गाइस मेल बॉक्स में टिक आ गया रेड, जो अपना नोटिफिकेशन का टिक होता है, तो ये आ गया। अभी देखो यहाँ से क्लेम कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखो गाइस यहाँ पे मिल चुका हमें वुल्फरा करेक्टर, अभी इसको क्लेम करेंगे एंड जाके अपने स्टोर के अंदर, आप स्टोर नहीं सॉरी करेक्टर सेक्शन के अंदर इक्विप करेंगे एंड फिर करेंगे जल्दी से इसका एबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ पे हमने क्लेम कर लिया है एंड आप देख सकते हो इसका भी एक स्क्रीनशॉट। ओके कर देते हैं एंड अपने करेक्टर सेक्शन के अंदर चलते हैं जल्दी से। तो चलो अभी आ गए हम करेक्टर सेक्शन के अंदर, अभी करेंगे चेंज, आलोक को हटाएंगे एंड लाएंगे अपने वुल्फरा को। एंड गाइज एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप वुल्फरा के अंदर आलोक की स्किल लगा सकते हो, क्योंकि वुल्फरा की पैसिव स्किल है, इसकी एक्टिव स्किल नहीं है, यानी कि आप वुल्फरा करेक्टर को यूज़ करते टाइम इसमें आलोक लगा पाओगे। तो यार अभी प्रूफ देने के चक्कर में वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है एंड मैं नहीं चाहता कि ये और ज़्यादा लंबी बने। तो अभी सीधा चलते हैं अपनी एबिलिटी टेस्ट की ओर एंड अभी एक कस्टम रूम बनाएंगे, उसमें करेंगे एबिलिटी टेस्ट। तो चलिए गाइज अभी चलते हैं स्किल टेस्ट के लिए कस्टम रूम में। तो गाइज यहाँ पे हमने एक कस्टम रूम बनाया एंड अभी आप देखना यहाँ पे मैं वुल्फरा करेक्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बंदा मेरे को हेडशॉट देगा और 198 का हेडशॉट देगा, लेकिन मेरे को ओनली 166 का हेडशॉट पड़ेगा, यानी कि 198 का हेडशॉट लगने के बाद भी मेरा 34 का हेल्थ रहेगा। अभी गाइज इस क्लिप में देखो 198 का हेड दिया, लेकिन मेरे को ओनली 163 का हेड लगा, क्योंकि मेरे को दो बंदे वॉचिंग कर रहे थे, यानी कि दो बंदों की वॉचिंग मेरे ऊपर आई हुई थी। तो गाइज इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे हेडशॉट जो है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे इसने 198 का हेडशॉट दिया, लेकिन गाइज मेरे को पड़ रहा था ओनली 166 का। एंड गाइज उसके बाद अगर आपके ऊपर वॉचिंग आती है, अगर आपको कोई बंदा देख रहा होता है, स्पेक्टेट कर रहा होता है,
तो उसका जो डैमेज है वो और भी घट जाता है। तो गाइज यहाँ पे ये करेक्टर काफी ज्यादा बढ़िया करेक्टर है एंड आप सभी को बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया डील है यार। एंड भाई इसका मतलब जो हेडशॉट का डैमेज है वो तो डिक्रीज होता ही होता है, उसके साथ साथ अगर हम किसी की टांगों के ऊपर डैमेज देंगे सो वो डैमेज इंक्रीज भी होगा। तो यहाँ पे हमने अभी आपके सामने स्किल टेस्ट करके दिखाया, तो आप खुद देख सकते हो कि कितना डिफरेंस है यहाँ पे हेडशॉट में। एंड भाई जो बंदे अपने डीजे आलोक के फैन है, जो डीजे आलोक करेक्टर को यूज़ करते हैं, उनके लिए भी यहाँ बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो अपने वुल्फ्रा करेक्टर के अंदर डीजे आलोक की एबिलिटी भी यूज़ कर पाएंगे, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बढ़िया करेक्टर है। अब से मैं भी इसी करेक्टर को यूज़ करूँगा डीजे आलोक की एबिलिटी लगा के। बाकी गाइज आप मुझे कमेंट करिए, बताइए कि आपको इसकी एबिलिटी कैसी लगी। एंड गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करूंगा यार आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भाई मेरे द्वारा दी गई ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं 1K लाइक्स, सो गाइज जल्दी से 1K लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जिसने लाइक नहीं किया भाई वीडियो को लाइक कर दो। एंड भाई जो चैनल के ऊपर न्यू है प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 40K सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो बस गाइज इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।